नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। अपना घर आश्रम की शाखा कटक में खुली भारत विख्यात निस्वार्थ सेवाभावी संस्थाओं में एक संस्था का नाम है अपना घर आश्रम संस्था। अपना घर संस्था की स्थापना राजस्थान के भरतपुर में सर्वप्रथम हुई। आज इसी अपना घर संस्था की लगभग 50 शाखा पूरे भारत में कार्यरत हैं। अपना घर आश्रम में असहाय, निसहाय, बेसहारा, गरीब, कमजोर, जरूरतमंदों की सेवा की जाती है। ऐसा ही एक अपना घर आश्रम स्थानीय सातबाटिया जगतपुर कटक में प्रारंभ किया गया है। सेवा प्रारंभ से ही 10 प्रभुजन इस अपना घर आश्रम में दाखिला भी ले चुके हैं। ये 10 प्रभुजन राजस्थान के भरतपुर अपना घर आश्रम से जगतपुर कटक के अपना घर आश्रम में स्थानांतरित किए गए हैं। इन 10 प्रभुजनों को भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम से जगतपुर कटक स्थित आश्रम में लेकर आए हैं भरतपुर मुख्यालय से अधिकारी शैलेंद्र त्यागी तथा वीरपाल सिंह। अपने आप में अनूठी भारत विख्यात सेवाभावी संस्था अपना घर आश्रम कटक का संचालन मुख्यालय भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम के गाइडलाइंस द्वारा किया जाएगा। जगतपुर आश्रम में शुरुआत में 50 प्रभुजनों के ठहरने, रहने, भोजन, पानी, कपड़े, दवाइयों की व्यवस्था की गई है, जो समय के अनुसार संख्या बने की संभावना है। आज दोपहर एक मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए अपना घर आश्रम जगतपुर कटक स्थित ट्रस्ट के चेयरमैन सीताराम लातसुरिया बोले कि स्थानीय आश्रम में परसों से 10 प्रभुजनों का दाखिला हो गया है। इन 10 प्रभुजनों का स्वागत उनके माथे पर तिलक लगाकर किया गया। इनको नहलाया गया, नए वस्त्र दिए गए यूनिफॉर्म के रूप में। इनके रहने भोजन की व्यवस्था की गई है ट्रस्ट की तरफ से। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त 10 प्रभुजन उड़ीसा के ही हैं जो राजस्थान के भरतपुर आश्रम में दाखिला लेकर रह रहे थे। इनको कटक स्थित आश्रम में स्थानांतरित किया गया है। अब ये इसी आश्रम में रहेंगे। इनके भोजन, दवा, सेवा की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त की गई है। गौरतलब है कि इस सेवाभावी अपना घर आश्रम का विधिवत तौर पर उद्घाटन आगामी 23 जनवरी 2022 को होना तय हुआ है। इसका शुभ उद्घाटन करेंगे भारत के महान संत विजय कौशल जी महाराज। उद्घाटन समारोह के ही दिन अर्थात 23 जनवरी 2022 को भव्य संगीतमय सुंदरकांड का पाठ भी होगा संध्या समय। ऐसी सूचना आज के मीडिया कॉन्फ्रेंस में सूचना दिए हैं ट्रस्ट के चेयरमैन सीताराम लातसुरिया, ट्रस्टी सुखदेव लातसुरिया। मीडिया वार्ता में मौजूद थे भरतपुर अपना घर आश्रम मुख्यालय से पधारे शैलेंद्र त्यागी, वीरपाल सिंह, संजय लातसुरिया इत्यादि। अपना घर आश्रम भरतपुर से यहाँ आश्रम की व्यवस्था उड़ीसा में कटक में पहला आश्रम है जो ऐसे लावारिस असहाय लोगों का सेवा करता है, जो सड़कों पे परिस्थितिवश किसी कारणवश अपने परिवार से छोड़कर आ जाते हैं, ठीक से बता नहीं पाते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, ऐसे लोगों की सेवा के लिए आश्रम। हमारे आश्रम की जो विचारधारा है वो ये है कि सड़कों पे लावारिस असहाय लोग जो है सेवा और उपचार के अभाव में अपनी दम न तोड़े और सबकी सेवा होनी चाहिए, तो उसके लिए इस प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था माता के द्वारा की जाती है। पढ़ने वाले होते हैं, सब कुछ परमात्मा ही करता है। और पूरे देश भर में इस समय लगभग 85 आश्रम हमारे जिले में, जिनमें 8,000 से अधिक लोग महिला और पुरुष और बच्चे सेवा ही ले रहे हैं। बाकी सब व्यवस्था ही परमात्मा ही करता है। आश्रम में कोई किसी से मांगने नहीं जाता है बाहर, जो भी आवश्यकता होती है वो हर ऑफिस में कार्यालय में प्रभु जी की एक चिट्ठी लगी रहती है, उस चिट्ठी पर सब चीजें लिख दी जाती हैं और परमात्मा किसी न किसी मानव स्वरूप में आकर और उसको पूरा। कटक में कम से कम मैं समझता हूँ और आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया में इस प्रकार के जो प्रभु जी हैं सड़कों पर लावारिस अवस्था में पड़े हुए हैं ना हो, और वो उनको अपना एक घर मिले, और यदि वो ठीक हो के अपने घर के बारे में बताते हैं तो उनको परिवार से मिलाया जाए, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना। अपना घर आश्रम कटक आज ये शुरू हुआ है ये आश्रम, और ये असहाय लावारिस लोग हैं उनके लिए आश्रम। आज से पहले अगर कोई असहाय लावारिस रोड पे था तो ये हो सकता था कि अब कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज जब ये आश्रम खुल गया है इसमें सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो सभी का ये दायित्व है कि अगर कोई असहाय लावारिस बीमार सड़क पर है और जिसको कोई संभालने वाला नहीं है तो आप यहाँ सूचना दे सकते हैं, उसको यहाँ भिजवा सकते हैं ताकि उसको सारी व्यवस्थाएँ, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र और सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध हो सकें।
यह असर भुला ही चुके। बाकी जैसा त्यागी जी ने बताया, देश में 50 अपनागर आश्रम संचालित हैं और पूरे देश के अंदर ये कोऑर्डिनेशन इस तरह से बनाया हुआ है, नेटवर्किंग इस तरह से है कि कहीं भी अगर कोई असहाय लावार बीमार है, सड़क पर है, तो उनको रेस्क्यू करने की व्यवस्था संस्था के पास है। तो इस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं और बहुत सारे सेवा विकल्प चल रहे हैं इसके लिए। ठाकुर जी की चिट्ठी के संदर्भ में बताया गया, इसमें काफ़ी सारे प्रकल्प हैं। आप भोजन सेवा का एक प्रकल्प है जो हम सब अपना जन्मदिन मनाते हैं, बड़ा सेलिब्रेशन के साथ मनाते हैं, लेकिन उसको मनाने का तरीका ये भी हो सकता है कि अपने जन्मदिन, शादी के साथ ग्रह है, कोई त्यौहार है, बच्चों का जन्मदिन है, तो हम एक समय का भोजन किसी जरूरतमंद को उपलब्ध करा के कहीं ऐसे आश्रमों में या कहीं जो बच्चों के लिए आश्रम संचालित हैं उनके लिए हम एक समय का उपलब्ध करा के उसको मनाने का तरीका सेवा करते हैं सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। आम एटी दिल्ली रु आसीच दिल्ली रु तीन दिन है दिल्ली रु भरतपुर आम कटक आम तीन दिन है आसीच कि भरतपुर आम दस आगे रही भरतपुर आगे 10 वर्ष है दिल्ली में रही दिल्ली आगे आम सर्विस आई समय काम धंद चल आम भर पैसा कमी समय हिसाब से काम डाउन भी है सबू चोरी आम रोड में कम उपाय निजर मेंटेनेंस करूँ बैटरी की काम कर शादी मैरिज का काम कर गाड़ी एक्सीडेंट होगापर आम बिलकुल फ्रांस है अचानक गाड़ी की एक्सीडेंट हो गापर आम फिर व्यवस्था थी कंपनी का हेल्पलाइन गाड़ी लागू अच्छी ये जो संस्था भी अपना घर आश्रम से आमको हेल्प कले हेल्प करके भरतपुर नहीं जाइए गोटे मस आमको भले कि से प्लेस कर जानगले आम एटी प्लेस ओडा पुणी ओडा ट्रांसफर कर देखिए आपण मैंने फिर आसीगले आमको आज साथ मिल गाला सोना सुहागा आम अत्यंत खुशी एठर आम आम गाँव को जापर आन जिन गाँव को गले ओगा समस्त की मिसबू आसबू कि कामधंदा जिनस कहीं कोई कामधंदा यदि आप तरफ सेटलमेंट हो आम जो प्रोब्लम रही सी समाधान हो।